स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। एक समय हुआ करता था मुंबई के झोपड़पट्टी इलाकों में कोरोना के हॉटस्पॉट हुआ करते थे और बड़ी संख्या में कोरोना मरीज झोपड़पट्टियों से सामने आते थे, लेकिन अब मुंबई के 24 वार्डों में से 18 वार्ड में कोरोना के कोई भी मरीज जो हैं अब सामने नहीं है। यानी कि इन 18 वार्ड के स्लम इलाकों में कोरोना का एक भी केस अब नहीं बचा है। सिर्फ 6 वार्डों के स्लम एरिया में कोरोना के गिने चुने मरीज रह गए हैं। वहीं धारावी में लगातार दूसरे दिन कोरोना का कोई केस नहीं मिला। 10 फरवरी के बाद से दूसरी लहर का सामना कर रही मुंबई में स्लम में कोरोना पहले से काबू में आ रहा है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि मिशन जीरो, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और सर्वेक्षण के जरिए मुंबई के स्लम में कोरोना को कम समय में मात देने में मदद मिली है। मुंबई के 24 वार्डों में से 18 में एक में भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। भाईखल्ला में एक, चेंबूर व मुलुंड में दो दो और भांडुप में 3 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। अंधेरी पूर्व में 8 और कांदीवली में 6 कंटेनमेंट जोन बचे हैं। मुंबई में अब केवल 22 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। लंबे समय तक कोरोना का हॉटस्पॉट रहे बोरीवली, दहिसर, गोरेगांव, मलाड़ और अंधेरी पश्चिम के स्लम एरिया में एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। इसी तरह कोलाबा, कलवा देवी, ग्रांट रोड, वड़ाला, परेल, वर्ली, दादर, कुरला और घाटकोपर सहित अन्य वार्डों में एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। काकानी ने कहा कि स्लम को कोरोना मुक्त करने के लिए धारावी मॉडल को लागू किया गया, इससे मुंबई के स्लम लगभग कोरोना मुक्त हो गए हैं। इसके बावजूद सब जगह कोरोना मरीजों की संख्या जीरो होने तक हम कोई ढील नहीं देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।